तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो बेसिकली ये एक गेम है जिसका नाम है बॉल बैलेंस। आप रियल कैश कमा सकते हो और उसको अपने पेटीएम अकाउंट में मंगा सकते हो। सबसे पहले आप लोग को इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है अपने फोन में, और जैसे ही आप रजिस्टर्ड करोगे आपको 25 रुपीज बोनस कैश मिल जाता है, और इसको बाद में आप लोग अपने पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप लोग को बहुत मजेदार गेम मिल जाती है जिसको खेल करके आप लोग पैसे कमा सकते हो। एंड उसके साथ साथ अगर आप ये गेम को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो तो उसका आपको पर रेफर 5 रुपीज दे दिया जाता है। तो हाँ यार, इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके डाउनलोड करो, बॉल बैलेंस खेलो और कमाओ। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो यार, ड्रैगन बॉल सुपर का सुनने सुनाने के बाद कि ड्रैगन बॉल सुपर कौन सी वजह से अभी तक वापस नहीं आया, वो आखिर सामने निकल के आ चुका है। और क्या प्लान हो सकता है ड्रैगन बॉल सुपर वालों का? अगर वो आएंगे भी तो सबसे पहले क्या लेके आएंगे? एक तरफ हमारे सामने जो मोरू की मांगा चल रही है, ज्यादातर लोगों ने सोचे होंगे अगर आना होगा तो सबसे पहले मोरू की ही मांगा आएगी। पर ऐसा नहीं भी हो सकता है कि उसके आने से पहले एक मूवी आए, बाद में मांगा को अडॉप्ट किया जाए। क्योंकि मैं ही नहीं, बहुत से लोग ये मानते हैं कि मांगा अभी तक इतने आगे नहीं निकल गई है कि एपिसोड्स उसके बनना शुरू हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो एनीमे मांगा को पीछे छोड़ देगा, जो कि जापान में ज्यादातर ऐसा नहीं होता। अगर आप एनीमे कल्चर से वाकिफ हो गए, आपको अच्छे से पता होगा कि मांगा हमेशा एनीमे से बहुत आगे होता है, जिसमें बता दिया जाता है कि कैसे कैसे स्टोरी एनीमे के आगे बढ़ सकती है। अब वो प्रोडक्शन हाउस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मांगा में से कितनी स्टोरी उठाएंगे और उसमें कितनी स्टोरी अपनी ऐड करेंगे। जैसे टूर्नामेंट ऑफ पावर, इसका एक बेहतर एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपको पता होगा एनीमे में गोहान को कितना कमजोर दिखाया गया था टूर्नामेंट ऑफ पावर के वक्त, पर असलियत में मांगा में जो असली राइटर ने स्टोरी लिखा था उसमें गोहान ने काफी ज्यादा अपना पोटेंशियल बाहर निकाला था। पर जो मेन स्टोरी होती है, जो स्टोरी का स्टार्टिंग से लेके जो एंड होता है, एनीमे वालों को भी मांगा के हिसाब से चलना होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि कल का अगर एनीमे आएगा तो जितना मांगा में लिखा है वो सेम टू सेम एनीमे में भी होगा। ये बात में कोई शक नहीं है, टॉय एनिमेशन खुद उसमें 40-50% चीजें अपने हिसाब से बदल सकता है। जैसे मांगा में बीरस और मोरो का आमना सामना नहीं हुआ, पर क्या पता एनीमे में वो बीरस और मोरो का आमना सामना शुरुआत में ही करवा दे। और उससे बड़ी बात, क्या पता किसी दूसरे यूनिवर्स को बंदे को, जैसे जीरन टोपो, कोई और कैरेक्टर को भी, जिसके हम टूर्नामेंट ऑफ पावर में बहुत बड़े फैन हो गए थे, उसको भी एनीमे में इंट्रोड्यूस करवा दे, जो कि अभी तक मांगा में नहीं हुआ है। देखो, मैं ये खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर तुम लोग ब्लैक गोकू का आर्क पढ़ोगे मांगा में, 70% चीजें जो मांगा में हुई है वो एनीमे में नहीं हुई। सोच के हैरानी होती है, ऐसा कैसे? चलो, ये सब तो मैंने तुमको यहाँ बताया हूँ कि एनीमे मांगा में कितना डिफरेंस होता है, और जब कल का ड्रैगन बॉल सुपर वापस आएगा तो उसमें क्या होगा। अब आते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ जो ड्रैगन बॉल सुपर को डिले किया गया। तो हाल ही में बाहर के एक यूट्यूबर गीकडम 101 ने इसको अपने चैनल पर रिपोर्ट किया। उनका ये कहना है, हाँ, मैंने कुछ सोर्स के कहने पर लोगों को ये बाहर निकल के बता दिया कि जुलाई में ड्रैगन बॉल सुपर आने वाला है, और मैं इस चीज को लेकर पूरा श्योर था, क्योंकि मुझे पता था जिन सोर्स से ये खबर निकल के आई है वो गलत नहीं हो सकते। क्योंकि ड्रैगन बॉल मूवी में जब ये किसी को नहीं पता था कि ड्रैगन बॉल की ब्रॉली की मूवी में गोजिटा होने वाला है, उसके सेम यही सोर्स ने उसको आके बहुत पहले ही बता दिया था कि हाँ, ड्रैगन बॉल में गोजिटा आने वाला है और ये सच है। और उसकी ये बात सच निकली कुछ महीनों बाद। गोजिटा का ट्रेलर हमें सामने देखने को मिला, और वो लोगों को ये दावा करता है कि हाँ, जुलाई में पूरी प्लानिंग हो चुकी थी ड्रैगन बॉल सुपर को वापस से लाने की, और ड्रैगन बॉल सुपर प्रोडक्शन में था, पर कुछ कारण ऐसे थे जिसके वजह से DBS नहीं आ पाया। गीकडम 101 इवन ये भी दावा करता है कि उसको जुलाई के चक्कर में काफी बैकलैश झेलना पड़ा, क्योंकि YouTube पर सबसे पहले वो ही शख्स था जिसने लोगों को अपने भरोसे में लाया और बताया कि ड्रैगन बॉल सुपर जुलाई में आने वाला है। पर जब ऐसा नहीं हुआ तो लोगों ने ये चीज को लेके उसको काफी ज्यादा कमेंट्स में घेरा, उसको काफी ज्यादा सुनाया गया कि तुम्हारे जुलाई वाले को लेके क्या हुआ। और अक्सर हमेशा ऐसा होता है सभी के साथ, कुछ लोग को लगा कि हाँ, शायद जुलाई वाली बात गलत हो सकती है, पर गीकडम अपने तरफ से ये कहता है कि वो अपनी बात पर कायम है। और गीकडम ने हाल ही में बताया कि जो जुलाई वाली बात थी वो सच थी, जुलाई में ड्रैगन बॉल सुपर आना कंफर्म था, और ड्रैगन बॉल सुपर जुलाई से पहले प्रोडक्शन में था, और 2019 में टॉय एनिमेशन ने काफी अलग अलग अपने पार्टनर्स के साथ ड्रैगन बॉल सुपर को लेके, उसके लाइसेंसिंग को लेके, उसको शेयर्स को लेके काफी यहां वहां मीटिंग भी की, जो ये दर्शाती है उस समय ड्रैगन बॉल का मामला काफी ज्यादा एक्टिव था और उसको आने के लिए बस कुछ दिन ही बाकी रह गए थे, और काफी ज्यादा सोर्सेस से उसको ये खबर मिली।
फाइनली। उसके साथ काफी ज्यादा टॉय के अंदर के लोग ने ये बताया कि हाँ ड्रैगन बॉल सुपर जुलाई में आएगा, पर वो उनके नाम नहीं लेगा क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उनकी नौकरी जा सकती है और उसकी जिम्मेदारी बनती है वो सिर्फ रिपोर्ट करे, ना कि उनके नाम खोलना जिनसे उसको रिपोर्ट मिली है। और वो कभी आने वाले वक्त में भी ये चीज को रिवील नहीं करेगा कि उसको ये खबर किसने ला के दिया कि जुलाई में ड्रैगन बॉल सुपर आने वाला है। और उसने नाम छुपा के बकायदा लोगों को स्क्रीनशॉट्स भी दिखाया कि हाँ ड्रैगन बॉल सुपर जुलाई में आने की उसकी बात स्टाफ वालों से चल रही थी। तो अब यहाँ से उसकी स्टोरी का मेन हिस्सा शुरू हो जाता है। उनकी स्टोरी के हिसाब से हाल ही में वो जापान गए थे और जापान में जाने के बाद उन्होंने जो पाया वो ये पाया कि हाँ DBS जुलाई में आने वाला था और वो अपने शब्द कभी वापस नहीं लेंगे, और उनको वहां जाके इसकी वजह मिल गई कि ड्रैगन बॉल सुपर पोस्टपोन क्यों हुआ। अब यहाँ वो रीजन देना शुरू करते हैं। उनके हिसाब से ड्रैगन बॉल सुपर ना आने का सबसे पहला रीजन है वन पीस टैम्पिड की मूवी जो आई थी, आधे से ज्यादा सुपर का स्टाफ उस पे शिफ्ट हो चुका था और ड्रैगन बॉल क्वेस्ट करके एक एनीमे आया और उनको ये बात की बहुत खुशी हुई कि ड्रैगन बॉल क्वेस्ट करके एक एनीमे आ रहा है। और इसको लेके उन्होंने ड्रैगन बॉल सुपर के एक स्टाफ से भी बात किया जिन्होंने ड्रैगन बॉल सुपर मूवी पर काम किए थे। उन्होंने अपनी खुशियां बयान किए चैट्स में कि ड्रैगन बॉल क्वेस्ट को लेके, और ड्रैगन बॉल के स्टाफ की तरफ से ये जवाब दिया गया कि हाँ वो भी बहुत ज्यादा खुश है ड्रैगन बॉल क्वेस्ट को लेके। पर जब गिगडम ने उनसे ड्रैगन बॉल को लेके सवाल पूछा तो उनका उसके बाद से कोई जवाब नहीं आया। तो ये चीज ये दर्शाती है कि वो ड्रैगन बॉल के बारे में जब किसी से भी पूछो तो वो हमेशा चुप क्यों हो जाते हैं। और अब गिगडम 101 आगे अपनी स्टोरी में ये बताते हैं कि उनकी ऐसे शख्स से बात हुई जिसने उनको इसका असली रीजन बताया कि अभी टॉय एनिमेशन के अंदर ड्रैगन बॉल सुपर को लेके क्या चल रहा है और कब आएगा ड्रैगन बॉल सुपर वापस से। अब यहाँ देते हैं वो सबसे बड़ा मेन रीजन। वो ये कहते हैं सबको पता होगा ड्रैगन बॉल सुपर के मांगा पर टोरियामा और टोयोटारो साथ में काम करते हैं, और पिछले सुपर के आर्क्स में भी टोरियामा और टोयोटारो ने साथ में ही काम किया है। पर ये जो नया आर्क आया है मोरो का, ये सिर्फ और सिर्फ टोयोटारो की ही स्टोरी है। टोरियामा जो असली राइटर है स्टोरी के, उनके तरफ से अभी तक नए आर्क को लेके स्टोरी सबमिट नहीं की गई है, जिसके वजह से अभी तक ड्रैगन बॉल सुपर को रोक के रखा गया है। और टॉय एनिमेशन अगर चाहे तो वो टोरियामा के बिना भी स्टोरी को खुद से आगे बढ़ा सकता है, पर वो ये चीज नहीं करना चाहते वरना इसका वही हो जाएगा जो एक वक्त पर ड्रैगन बॉल GT के साथ हुआ था। तो इसलिए वो चाहते हैं अगर स्टोरी आए तो टोरियामा की स्टोरी के साथ आए, जिससे वो ड्रैगन बॉल सुपर को आगे बढ़ाए। और वो ये भी मानते हैं 2020 में भी ड्रैगन बॉल सुपर के आने की कोई गुंजाइश नहीं है, पर वो ये मानते हैं कि हाँ कुछ खबर ड्रैगन बॉल सुपर की ये साल में निकल के आ सकती है। और यहाँ गिगडम 101 की स्टोरी खत्म होती है। अंत में इसकी वजह यही निकल के आती है कि हाँ टोरियामा के काम अभी तक बाकी है जिसका सभी को इंतजार है, उनके काम के दिए बगैर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो तुम अब ये पूछोगे फिर क्या मोरो की मांगा टोरियामा की नहीं है? देखो मैंने तुमको ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कल का जब एनीमे आएगा तो ये जरूरी नहीं है जो मांगा में चल रहा है वो एनीमे में भी होगा। स्टोरी को बाद में भी उसको थोड़ा मॉडिफाई करके भी अडॉप्ट किया जा सकता है। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही। ये स्टोरी पूरी की पूरी स्टोरी तुम खुद जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से जाके देख सकते हो। और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। और उससे भी बड़ा ड्रैगन बॉल सुपर आने का रीजन ये है कि तुम लोग मेरी वीडियो को आजकल लाइक नहीं करते, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अगर मुझे कोई और भी अपडेट मिलता है कहीं से तो मैं यही चैनल पर उसको कवर करूंगा। और मेरे इंस्टाग्राम को जाके फॉलो करो यार, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।